बहुत बहुत करता हूँ स्वागत। यहाँ देखिए पटना साइंस कॉलेज का आपका रिजल्ट जो है सो आपको मेरिट लिस्ट या BCA BBA जो चाहते हैं कौशल कर्ष करना उनका इंटरव्यू के लिए उनको आ चुकी है लिस्ट। अगर आपने नहीं देखा तो मैं दिखाता हूँ कैसे देखना है। तो सबसे पहले आपको जानी है पटना साइंस कॉलेज की वेबसाइट पर से मैं अभी दिखाता हूँ जाकर। जैसे आप पटना साइंस कॉलेज की वेबसाइट पर जाएंगे वहाँ देखिए सब मान लीजिए आपने यहाँ पर सर्च किया पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी माफ करना पटना यूनिवर्सिटी उसके अंदर में जाना आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करोगे तो यहाँ देखो आ रहा है एक लिंक यहाँ आ रहा है पटना साइंस कॉलेज का। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद ये आपको पहुँचा देगा। और यहाँ देखिए नोटिस बोर्ड लिखा हुआ है सिविल नोट। आप लोग अगर डाउनलोड कर लेते हैं PDF फाइल तो उसके बाद देखिए कैसे खुलेगा। मैं अगर PDF फाइल दिखा देता हूँ आपको, ये PDF फाइल खुलने के बाद उसमें अगर आपका नाम होगा तो आपको देखना पड़ेगा नया मेरा नाम आया या फिर नहीं आया। तो ये देखो इसमें आपको यहाँ देखिए लिखा हुआ मिलेगा आपको पटना साइंस कॉलेज में पटना यूनिवर्सिटी के अंदर में जो आती है 2019 की। और ये रोल नंबर को इतना बजे और इस टीम बुलाया गया है 8:30 बजे और 1 तारीख को बुलाया गया है आपको वाया वॉइस के लिए। अगर आप चाहते हैं कि वाया वॉइस में किस टाइप का क्वेश्चन पूछती है वाया वॉइस में किस टाइप का क्वेश्चन पूछी जाती है अगर आप चाहते हैं तो जाकर आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको प्रीति मैम बता दें कि भाई आप वॉइस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछी जाती है उसकी एक क्लास ले लेगी प्रीति मैम आपकी। तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि हर समय आपको अपडेट मिलती रहेगी। और ये मेरे जो वीडियो है आपको एजुकेशनल आर्ट के पॉइंट पर ही मिलेगी आपको भाई वॉइस क्लास किस टाइप की चलेगी। ठीक है, तो ये रोल नंबर आप लोग देख लो और सब्सक्राइब करो कमेंट करो। हम 10 कमेंट करते हो कि सर भाई वॉइस क्लास करवाइए तभी मैं करवा पाऊंगा, मैं प्रीति मैम से क्लास करवा दूंगा। उसके बाद देखिए आपको ये दिया हुआ है शेड्यूल के अनुसार में आपको रोल नंबर दिया हुआ है। रोल नंबर वाइज में आपको जाना ही है, किसी को 2 तारीख किसी को 1 तारीख को शाम के टाइम में किसी को 1:30 बजे बुलाया गया है। लेकिन उससे पहले कुछ नोटिस जान लीजिए क्या है देख लीजिएगा। जिनका भी हुआ सिलेक्शन उनको ये चीज़ लेके आना है, देख लीजिए उनको ओरिजिनल एंड जीरोस कॉपी मतलब ओरिजिनल और प्लस में आपको जो होती है फोटो कॉपी दोनों को आपको एडमिट करानी है PUCT का। एग्जाम टाइम में जो आपको एडमिट कार्ड निकाली गई जो मिली थी आपको सो आपको ले आनी है। और जिस किसी का एडमिट कार्ड भुला चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर आप लोग यहाँ आती है क्लिक हेयर करने के लिए, यहाँ देखो यहाँ पर आपकी आपको एडमिट कार्ड यहाँ जाइए आप इस सेक्शन में डाउनलोड एडमिट कार्ड सेक्शन में यहाँ पर जाइए से आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको इसमें से खोज लेनी है जो यहाँ भी मिलेगा उसमें से क्लिक हेयर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड है ना इस पर क्लिक कर आप डाउनलोड कर सकते हैं कभी भी। तो आप जाकर फिर से कर सकते हैं। खैर देखिए मैं आपको बताता हूँ आपको मैं जो बता रहा था आपको कौन कौन सी आपको लेके आनी है। तो आप मैं जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ के बाद राउंड सेशन में जाने के बाद आपको जो है सो एडमिट कार्ड ले जानी है ओरिजिनल वाली। ठीक है, ओरिजिनल के बाद में फिर जो है आपको चाहिए एक हार्ड कॉपी अप्लाई फॉर्म का, अप्लाई जो किया तो वो फॉर्म का अप्लाई फोटो का एक हार्ड कॉपी चाहिए। ओरिजिनल एंड जीरोस कॉपी चाहिए आपको मार्कशीट ऑफ 12th बोले 12th का 10th का नहीं उसका ओरिजिनल एंड जीरोस कॉपी ऑफ कास्ट। अगर आप जाति प्रमाण पत्र वाले में अगर आते हो EWS भी आती हो तो आपको ये जो ऑरिजिनल कास्ट वाले हो साल भर बोली पुराना, ठीक है ज़्यादा पुरानी वो आपको लेके जानी पड़ेगी। उसके बाद कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट CLC आपको लेके जाना पड़ेगा। मैं इंटरव्यू में CLC अगर नहीं छुड़वाया जाएगा छुड़वा लेना, आप लोगों को समय है एक से पहले छुड़वा लो। उसके बाद आपको आधार कार्ड का ओरिजिनल एंड जीरोस कॉपी दोनों लेके जाना है। तो मैं जो भी चीज़ बोला ये सब के सब चाहिए आपको ओरिजिनल प्लस जीरोस कॉपी लेके जाना है आप लोग। तो ऐसा करता समझ में आपको आ गई होगी मैंने सब कहा कि अगर चाहिए क्लास आपको भाई हुआ इसकी तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कम 10 कम से कमेंट कीजिए कि सर भाई हुआ क्लास लाइए कम से कम 10 कमेंट होने चाहिए तभी क्लास हो पाएगी। 10 कमेंट कीजिए मैं आपको भाई भाई के चलते मैं क्लास करवा दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। तो धन्यवाद, चैनल सब्सक्राइब मत भूलिएगा। गुड बाय।